अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अलूरा के बारे में। अलूरा एक कीवर्ड रिसर्च का टूल है, जिससे हम कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और लिस्टिंग ऑडिट भी कर सकते हैं। जिस तरह ई रैंक काम करता है, इसी तरह अलूरा भी काम करता है। अलूरा पे एक और आपको फीचर मिलता है, जो कि प्रोडक्ट सीकर का है। प्रोडक्ट सीकर से आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं एटसी से। किस तरह हम फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और प्रोडक्ट की वाइबिलिटी किस तरह हम निकालते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम अलूरा की तरफ आते हैं। अलूरा में आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अलूरा एक्सटेंशन, जो कि आपको एटसी पे प्रोडक्ट रिसर्च करने के दौरान काम आता है। कीवर्ड फाइंडर, जिस तरह हमने ई रैंक में बताया था कि किस तरह हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। और प्रोडक्ट सीकर में हम अपने माइंडसेट के अपने बजट के हिसाब से उस प्रोडक्ट को डिटेल डालते हैं प्रोडक्ट की, और उस पर हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। और लिस्टिंग हेल्पर आपको लिस्टिंग ऑडिट में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको लिस्टिंग हेल्पर के बारे में बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पे शॉप कनेक्ट नहीं की थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि अलूरा पे हम लोग किस तरह शॉप कनेक्ट करते हैं। ये आपको एटसी के मेन पेज पे ले आया है, जिस पे आपको परमिशन अलाउ करना है, एक्सेस ग्रांट करना है। उनको एक्सेस दे देंगे तो अलूरा आपके एटसी शॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अभी अब मैंने जैसे ही इम्प्रूव माई लिस्टिंग को क्लिक किया, तो ये एनालाइज कर रहा है मेरी लिस्टिंग। अभी जैसे ही लिस्टिंग एनालाइज हो जाएगी 2 से 3 सेकेंड के अंदर, तो फिर हम ऑडिट की तरफ जाएंगे। ये मेरी लिस्टिंग आ गई। अब मैंने ये लिस्टिंग लगाई थी स्टार्ट में, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये लिस्टिंग है मेरी, ये मैंने लगाई थी। अब यहाँ पर अब ये आपको बताएगा कि आपकी लिस्टिंग्स के अंदर क्या क्या खामियाँ हैं और क्या क्या खामियाँ दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम चेक करते हैं टाइटल। टाइटल के अंदर ये कह रहा है कि आपकी टाइटल लेंथ 99 कैरेक्टर्स। सही है, 99 कैरेक्टर्स होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। फोकस ऑन कीवर्ड इन टाइटल, आपके जो टाइटल में कीवर्ड को जो फोकस किया गया वो नहीं किया गया, तो जो हमारा कीवर्ड है वो इसमें टाइटल में नहीं आ रहा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा मेन कीवर्ड इस टाइटल में नहीं आ रहा। अब आते हैं हम फोटोज़ की तरफ। अब यह फोटोज़ का ऑप्शन, क्योंकि हमने 4 फोटोज़ लगाई थी, तो इसकी वजह से अलूरा इसको कह रहा है कि 10 फोटोज़ होनी चाहिए एटलीस्ट। और पिक्चर क्वालिटी भी हमारी अच्छी नहीं थी, तो इसमें हमें पिक्चर क्वालिटी भी इन्हेंस करनी है। जो हमारा फोटोग्राफर होगा या जिससे भी हम फोटो ले रहे होंगे, फ़ोटोज़ को कोशिश ये करिएगा कि 2000 बाई 2000 पे ही रखिएगा, तो इससे आपकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी आएगी। डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन की लेंथ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की लेंथ का इशू है। आपकी डिस्क्रिप्शन की लेंथ 160 वर्ड्स होनी चाहिए, तो आपकी ये जो डिस्क्रिप्शन के इश्यूज जो आएगा इसके ऊपर ऑडिट के दौरान, तो आपको वो भी नहीं फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं टैग्स की तरफ। नंबर ऑफ टैग्स, हमने जो 13 थे वो 13 यूज़ किए, डुप्लीकेट नहीं यूज़ किया। एक लो क्वालिटी टैग यूज़ किया है, जिसको हमें हटाने की ज़रूरत है, तो हम वो हटा देंगे। एट्रीब्यूट्स में 0 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब यही होता है कि आप अपनी डिटेल्स में कुछ शो कराते हैं, कीवर्ड वगैरह, तो वो लिंक करता है उस एट्रीब्यूट से। अब सजेशन, अब ये कह रहा है कि एटसी ये ई रैंक अलूरा की तरफ से आपको सजेशन है कि एक सेकेंड, अलूरा आपको एक सजेशन दे रहा है कि आप उसके स्कोर की तरफ काउंट ना करें, यानी कि आप अपने अपने एल्गोरिदम के हिसाब से भी चलें थोड़ा सा। सारा कुछ दारो मदार अलूरा पे ना रखें, तो एक इंसान का खुद का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो इंसान किस तरह उसके ऊपर वर्क करता है। तो ये हमारा ऑडिट था, लिस्टिंग ऑडिट किस तरह होती है। अब हम चलते हैं कीवर्ड फाइंडर की तरफ। अब मेरा ये मेन कीवर्ड था
क्योंकि मेरी यही लिस्टिंग है, तो मैं यही वाला कीवर्ड यूज़ करता हूँ। अब इस कीवर्ड की जो कीवर्ड का ओवरव्यू दे दी है कीवर्ड फाइंडर ने कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ अब तक आ चुके हैं लिस्टिंग्स के ऊपर और कितने फेवरेट इसके ऊपर हुए हैं और कंपटीशन कितना है इसका और इसकी कितनी सेल्स हैं और ये मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रेंज क्या है इसकी कि ये कितनी प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट बिक रहा है और कंपीटिंग शॉप्स जो हैं आपकी 66 हैं यहाँ पर। प्रोसेसिंग टाइम 4 डेज, इट इज़ मीन कि 4 डेज के अंदर लोग प्रोसेस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें अपना प्रोसेसिंग टाइम 3 to 5 डेज रखना है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम भी एक्यूरेट है जो कि हमने रखा था। अब ये इससे सिमिलर कीवर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं, आप ये चाहें तो ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं जिनके ऊपर आपके आपकी लिस्टिंग बिलोंग करती हो और फॉल करती हो। ये सारे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, लोड ऑल करेंगे और भी आ जाएंगे कीवर्ड्स, और ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिस वीक, ये इस वीक के ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं जो कि आप इसमें से देख के यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा कीवर्ड फाइंडर। कीवर्ड आपको पता चल गया किस तरह फाइंड करते हैं और किस तरह हम कीवर्ड की वैलिडिटी चेक करते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, प्रोडक्ट सीकर। प्रोडक्ट सीकर का मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं एलुरा के ज़रिए। आए चले हम एलुरा को प्रोडक्ट सीकर को देखते हैं। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है जो कि आपने यहाँ पे फुलफिल करना है और उसके हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट फाइंड करके देगा। तो मैं ज़्यादा इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ नहीं रखता, मैं जस्ट उसको सेलेक्ट करता हूँ कुछ चीज़ें और मैं उसको सर्च करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने हैंडमेड ही सेलेक्ट किया और बाकी मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे पास मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट सामने आ जाएंगी और इसके ज़रिए हम लोग इन इन प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं एटसी पे कितने बिक रहे हैं कितने नहीं। इसके बाद हम जो भी इसका सोर्स सोर्स ऑफ वे है जिस जहाँ से हमें सोर्स करना है, अमेज़ॉन है, अली एक्सप्रेस है, आपका ओवर स्टॉक है, यहाँ से ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो मोस्टली हम लोग यहीं से प्रोडक्ट सोर्स कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये प्रोडक्ट्स आप यहाँ से फाइंड करके अली एक्सप्रेस पर ढूंढ सकते हैं कम प्राइस में, अमेज़ॉन पर ढूंढ सकते हैं कम प्राइस में और उसको अपनी कंपीटिंग प्राइस के हिसाब से उसको रख सकते हैं। ये था आपका प्रोडक्ट सीकर का इंट्रोडक्शन कि किस तरह प्रोडक्ट सीकर काम करता है। अब लास्ट हमारा ऑप्शन है एलुरा एक्सटेंशन। एलुरा एक्सटेंशन किस तरह काम करता है, मोस्टली लोगों ने काम किया भी है इसके ऊपर और मोस्टली लोगों ने नहीं किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एलुरा एक्सटेंशन किस तरह काम करता है। हमने यहाँ पर एलुरा की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है जो कि जब हम लोग प्रीमियम अकाउंट बाय करते हैं तो आपको शो करवाता है और आप स्टार्टर फ्री से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री में भी आपको एक्सटेंशन देता है एलुरा। ये आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है एक्सटेंशन। एलुरा का एक्सटेंशन हम सबसे पहले हम एटसी के मेन पेज पे आते हैं। हमारे प्रोडक्ट का मैंने नाम लिखा, अब ये हमारी प्रोडक्ट सामने आ गई है। अब ये आपका एलुरा है, एक्सटेंशन है जहाँ जो आपने यहाँ पर आके ऐड की हुई है। अब यहाँ पर सेम लाइक जिस तरह जंगल स्काउट काम करता है, जिस तरह हीलियम टेंट काम करता है, इसी तरह अलूरा भी काम करता है। तो हम अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं यहाँ पर आकर कि ये इसकी क्या वायबिलिटी है, इसकी कितनी सेल्स है, इसकी प्राइस क्या है और इसका स्कोर कितना है और ये कितनी फेवरेट्स हुई हुई हैं ये प्रोडक्ट्स। तो ये मेरे सामने कुछ स्कोर इस तरह के आ रहे हैं, हम उनको देखते हुए हम उस प्रोडक्ट को साथ लेके चलना है कि नहीं लेके चलना। यहाँ पर ट्रेंड्स कि कितनी ट्रेंडिंग में ये प्रोडक्ट, गूगल ट्रेंड्स भी दिखा देता है इसके ऊपर कि गूगल ट्रेंड्स पे कितनी ट्रेंड्स पे चल रही है, ये डेली कितनी इसकी सर्चेस आ रही हैं। अगर ये 100 के करीब है, 100 से अबव है तो बेटर है। आप यहाँ से अपना डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ हेल्प वगैरह आपको चाहिए हो रिगार्डिंग अकाउंट मैनेजमेंट और दूसरी एलुरा से जो भी रिलेटेड, आप यहाँ से आकर चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थी हमारी एलुरा के ऊपर।
जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली एलोरा बता दिया कि किस तरह वर्क करता है और इसके ऊपर हम किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और किस तरह हम लोग अपनी लिस्टिंग ऑडिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरह अपनी शॉप से टूल्स और दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।